तालाब किनारे खेल रही दो बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत। सराय अखिल थाना क्षेत्र के चित्तापुर गांव में तालाब के किनारे खेल रही दो मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आसपास मौजूद बच्चों ने मासूमों की तालाब में डूबते देख शोर मचाया। बच्चों के शोर की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने मासूमों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मासूमों की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मासूमों की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना सराय आखिल क्षेत्र के चित्तापुर गांव की है, जहां बुधवार की शाम चित्तापुर गांव निवासी शंभू की 5 साल की बेटी सपना व मल्लू की 6 साल की बेटी राया पड़ोस के 8-10 बच्चों के साथ घर के पास स्थित तालाब किनारे खेल रहे थे। बारिश के मौसम में तालाब लबालब भरा हुआ था और किनारे फिसलन भी बहुत थी, जिसके कारण दोनों मासूमों का पैर अचानक फिसल गया, जिससे सपना और राया दोनों तालाब में डूब गईं। दोनों मासूमों के साथ खेल रहे बच्चों के शोर मचाने पर परिजन तालाब के पास पहुंचे। परिजनों ने तालाब से दोनों मासूमों को निकाला, लेकिन तब तक दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी। मासूम बच्चों की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर सराय अखिल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मासूमों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत है, क्या पूरा मामला? सर, वहाँ गए थे खेलने के लिए और खेलते रहे, वहाँ गिर गए हैं और डूब के मर चुके हैं बच्चे, और एक 6 साल के है, एक 5 साल का। क्या नाम है दोनों? एक के नाम सपना है, एक के नाम राया है। उनके पिताजी क्या नाम है? एक के सपना का नाम है, पिताजी का नाम शंभू है, और राया के पिताजी का नाम है मल्लू। क्या करते हैं दोनों पिताजी? अरे वो मांगने खाने वाले मांगते हैं हम। तो कहाँ रहते हैं, क्या करने गए थे बच्चे? उधर खेल रहे खेल रहे थे। आपका नाम? हमारा नाम व्यापारी।